मैं खड़ा हूँ नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने। आपको बता दें इस वक्त की सबसे अहम खबर, वार्ड नंबर 43 से इंडिपेंडेंट उम्मीदवार आयशा कनीस चुनाव जीत चुकी है। मेरे सामने आयशा कनीस के जो समर्थक है यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग आयशा कनीस की जीत का जश्न मना रहे हैं। क्या कुछ कहना है इन लोगों का, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जो 43 वार्ड की जो आवाम है, जैसे ही टिकट अनाउंस हुआ था उसी वक्त आयशा कनीस को जीत करार दिया था। ये तो एक फॉर्मेलिटी था, और जो फॉर्मेलिटी के प्रोसेस के बाद जो जीत आपके सामने नज़र आ रही है, वार्ड 43 की आवाम इनको जीत पहले ही दिन दे चुकी थी। क्या बोलेंगे आप? मैं यही बोलूँगी, आयशा कनीस इरफान अली ताज के लोग सैलाब की तरह उमड़ रहे थे, ये हम लोग को अंदाज हो गया था, अंदाज़ा कि हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इतनी पब्लिक थी, इतने लोग थे, इतनी महिलाएं थी, ये इस बात का सबूत था कि हम आने वाले 21 तारीख को ज़रूर जीतेंगे। और लोगों ने ये साबित कर दिया, वाकई में काम करने वाले को आगे रहने चाहिए। इरफान अली ताज उनके अहलिया आने वाले दिन में बहुत सारे काम है जो करेंगी। मैं इरफान अली ताज की, मैं आयशा कनीस की मम्मी बोल रही हूँ। जी बहुत खुशी हुई, आयशा कनीस जीत गई। हम लोगों को तो पहले से पता था, लेकिन पब्लिक की ओपिनियन पे हम लोग टिके हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और आज इंशाल्लाह पब्लिक ने भी हमारा साथ दिया है। और फिर आगे आप खुद हालात देख लेंगे इंशाल्लाह। और भाई इरफान अली ताज की जीत हुई है। आप लोगों को उम्मीद थी? बहुत उम्मीद थी, बहुत यकीन था कि मेरा भाई मेरी भाभी जीतेंगी। आयशा कनीस, इरफान अली ताज की बहन बोल रहे हैं। हाँ, उनकी जीत हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये कहना चाहूँगा, आज जो ये जीत हुई है, ये 43 के अवाम की जीत है, ये जीत मेहनत कशों की जीत है, ये जीत ईमानदार लोगों की जीत है, ये जीत उनकी है जिन्होंने समाज के लिए काम किया, पेंडेमिक में काम किया और बेलौस खिदमत किया। मैं इरफान अली ताज और कनीस फातिमा को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, और 43 के अवाम को का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पर पूरी उम्मीद जो हमारी थी, आज हम जो जीते हैं इंशाअल्लाह, जो 43 वार्ड का जो काम है वो बेहतरीन तरीके से होगा। और ये आने वाले दिनों में कनीस फातिमा ये साबित कर देंगी कि अवाम ने, कनीस आयदा साबित कर देंगी कि जो अवाम ने उन पर भरोसा जताया है वो पूरी खरी उतरेंगी इंशाअल्लाह। ये जीत सिर्फ आयशा कनीस की जीत नहीं है, ये पूरे 43 अवाम की जीत है, ये एजुकेशन की जीत है, ये पढ़ने वाले बच्चे जिन्हें वो सुविधाएं नहीं मिली थी ये उनकी जीत है, ये हम सभी की जीत है। तो हम लोग को बहुत प्राउड मोमेंट है कि हम लोग स्टूडेंट्स जो मौलाना आज़ाद से आए थे आयशा कनीस और इरफान अली ताज को सपोर्ट करने के लिए, तो ये आज हर एक औरत की जीत है जिन्हें वो सुविधाएं नहीं मिली 43 वार्ड में, हर एक स्टूडेंट की जीत है जो बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह आगे भी हम काम करते रहेंगे और आप ही रहेंगे जिन्हें हम सबूत दिखाएंगे इंशाअल्लाह, और आप मिठाई खा के जरूर जाइएगा इंशाअल्लाह।